हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरोकर प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो का लास्ट तक जो बन रहा है। तो बात करते हैं जहां पाकिस्तान का T20 लीग यानी PSL स्टार्ट हो चुका है। इसमें टोटल 6 टीम्स आपस में खेल रही है। सभी टीमें इस वक्त जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जबरदस्त फाइट भी हो रही है। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 9वें मैच की, जो कि खेला जाएगा पेशावर जाल में मुल्तान सुल्तान के बीच में, या टेबल टॉप और बॉटम के बीच में मुकाबला होगा। यह मैच 23 फरवरी को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 71% रहेगा और टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहां पे बैटिंग फर्स्ट का यहां पे 70% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहां पे 30% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, जहां पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 174 है, तो वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 147 है। बात करते हैं दो टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं ओवरऑल, जहां पे पेशावर जाल में 2 मैच जीत के आ रही है, तो मुल्तान सुल्तान 8 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस में सेशन की जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं पहली टीम मुल्तान सुल्तान का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पर टीम अब तक 3 मैच खेली और तीनों जीत कर पॉइंट टेबल नंबर 1 पे स्टेबल। टीम ने टूर्नामेंट में अच्छा स्टार्ट किया। टीम के कैप्टन की बात करें तो जहां मोहम्मद रिजवान है, ओपनिंग में रिजवान है, डेविड मलन की जोड़ी देखने को मिल रही। रिजवान ने लास्ट गेम में बात करें तो 82 रन बनाए। तो वहीं नंबर 3 पर जहां पे दक्षिण अफ्रीका के ओपनर रिजा हेंड्रिक्स है, मिडिल ऑर्डर में जहां पे खुशदिल शाह, यसीर खान और इफ्तिकार अहमद है। अब बात करते हैं इनके बॉलिंग, जहां पे बॉलिंग में टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है हर एक मैच में, जहां पे मोहम्मद अली अब तक सबसे ज्यादा 8 विकेट निकाले हैं, जहां पे अब्बास अफरीदी भी 3 मैच में 6 विकेट लिए हैं। अब वहीं पे इंग्लैंड के डेविड विली भी लगातार विकेट निकाल रहे हैं। इनके बॉलिंग यूनिट जहां पे टीम विकेट दिलाने के लिए शाहनवाज, धानी, उसामा, मीर जैसे बॉलर्स पे डिपेंड होगी। अब आगे बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे मोहम्मद रिजवान है, डेविड मलन है, रिजा हैंड्रिक्स, इफ्तिकार अहमद है, खुशदिल शाह, यसीर खान है, अब्बास अफरीदी है, शाहनवाज, धानी, डेविड विली है, मोहम्मद अली, शामा मीर। अब बात करते हैं इनको कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे मोहम्मद रिजवान है, डेविड मलन है और डेविड विली है। अब बात करते हैं आगे दूसरी टीम पेशावर जाल में का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने अब तक खराब स्टार्ट किया। टीम को अब तक खेल गए 2 मैच में हार मिली। टीम के कैप्टन की बात करें जो कि बाबर आजम है, जहाँ पे ओपनिंग में जहाँ पे सैम है, वो बाबर आजम की जोड़ी आपको देखने को मिल सकती है। दोनों लास्ट गेम में अच्छा स्टार्ट दिया था, बाबर ने 2 मैच में 140 रन बनाए। जहाँ पे टीम का मिडिल ऑर्डर एक्सपीरियंस जिसमें मोहम्मद हैरिस है, टॉम कलर, कैट मोर है, वही लोअर ऑर्डर में जहाँ पे फिनिशिंग के रॉबिन पॉवेल, आसिफ अली जो कि टीम के लिए एक्स फैक्टर है। अब बात करते हैं बॉलिंग में, जहाँ पे टीम थोड़ा सा वीक दिखाई दे रही है, जहाँ पे इंग्लैंड के लुक वुड ने लास्ट गेम में सबसे ज़्यादा 2 विकेट लिए थे पाकिस्तान के पेस अटैक में, जहाँ पे मोहम्मद जीशन, अमर जमाल, सलमान इस्सार ट्रियो है। स्पिन डिपार्टमेंट जहाँ पे वकर सलाम में खेल है। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे सैम अयूब है, बाबर आजम है, मोहम्मद हरीस, कोलर कैटमोर है, रोबिन पॉवेल, आसिफ अली, अमीर जमाल है, सलमान इस्सार है, मोहम्मद जीशन है, वकर सलाम खेल है, लुक वुड है। अब बात करते हैं कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे बाबर आजम है, रोबिन पॉवेल है, लुक वुड है। फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया। अब अगर चलते विनर की, तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच में यहाँ पे मुल्तान सुल्तान होगा, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस रिसेंटली बात करें 3 मैच में तो काफी जबरदस्त दिखाई दे रही है। बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों हिट चल रही है, तो यहाँ पे जानवी को यहाँ पे हार मिल सकते। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अगर हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारे वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।